Assalamualaikum, welcome back to Khan's Two Cents. I hope you all are doing good. आज की वीडियो कंपल्सरी सीरीज का एक हिस्सा है जिसमें हम बात करेंगे पाकिस्तान अफेयर्स पर. पाकिस्तान अफेयर्स हमारा एक कंपल्सरी सब्जेक्ट है जिसके 100 मार्क्स हैं. इसके हम बात करेंगे कि सिलेबस में क्या और कैसे कवर करना है, साथ साथ कौन से सोर्सेज आप कंसल्ट कर सकते हैं, उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे. बट इन द मीन टाइम मैं आपको एक बात बता दूं कि जो आपके तीन कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं, जनरल साइंस, करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर्स, ये तीनों मिलाकर आपके जनरल नॉलेज का हिस्सा बनते हैं और इसमें आपने यू हैव टू स्कोर ऑल टुगेदर इन दिस थ्री सब्जेक्ट्स 120 मार्क्स. फॉर एग्जाम्पल, वैसे आपको एक पेपर पास करने के लिए, कंपल्सरी पेपर के लिए आपको 40 मार्क्स चाहिए होते हैं. बट इन तीनों में आप ऐसे कर सकते हैं, किसी में अगर आपके 60 आ जाए और दूसरे में आपके 40 आ जाते हैं और एक में आपके 20 आ जाते हैं और टोटल इन तीनों में आपका 120 है, तो आपके तीनों सब्जेक्ट्स पास गिने जाते हैं. और ये बताने का मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि आप इसे एक सब्जेक्ट को निग्लेक्ट कर लें. एट द एंड ऑफ द डे आपने सिर्फ पास नहीं करना, आपने ज्यादा स्कोर करना है ताकि आप आगे एलोकेशन वगैरह में आपके लिए ज्यादा मार्क्स की बेसिस पे आसानी हो. एनीवेज, अब बात करते हैं पाकिस्तान अफेयर्स की. तो अगर इस सब्जेक्ट की बात की जाए, मैंने अपने दोनों अटेम्प्ट्स में प्री पार्टीशन हिस्ट्री बिल्कुल नहीं प्रिपेयर करके गई थी, ना ही मुगल एरा वगैरह और ना ही उसके बाद जो 1857 की वॉर, इन कुछ चीजों को मैं नहीं करके गई थी. आई प्रिपेयर पोस्ट पार्टीशन. आई वॉज लकी इनफ कि पेपर में इसका कोई क्वेश्चन नहीं आए प्री पार्टीशन से, या फिर आप कह सकते हैं कि एक दो आए बट मेरे पास चॉइस थी उनको निग्लेक्ट करने की. बट टू बी ऑनेस्ट, जो पेपर से पहले आप पे एक डर और खौफ गुजरता है कि अगर पेपर में आ गए 3 से 4 प्री पार्टीशन के क्वेश्चन हिस्ट्री के, तो वो एक जो डर और खौफ गुजर रहा होता है आप पर, उससे तो मैं कहती हूँ बेहतर है कि आप करके ही चले जाए. वो अब जरूरी नहीं कि आप इन डेप्थ हिस्ट्री को स्टडी करें और बहुत ज्यादा इन डेप्थ कवर करके जाए. मैं आपको कुछ टॉपिक्स बता दूंगी, आप उनको कर लें, उसके अलावा और अगर कर सकते फिर उनको कर लीजिएगा, लेकिन जरूर करें ताकि वो पेपर की सुबह एक जो डर और खौफ होता है वो ना हो आप पर, आप मतलब कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम हॉल में जाए. इसके लिए आपको कुछ प्रिपेयर करना होगा जिसपे हम डिस्कशन करेंगे और बाकी भी इसको डाइसेक्ट करेंगे. सबसे पहले अगर हम बात करें प्री पार्टीशन हिस्ट्री की 1947 से पहले की, तो उसमें आपने ये देखना है कि एक आपके पास हिस्ट्री आती है इस्लाम की, कि पाकिस्तान या सब कॉन्टिनेंट में इस्लाम कैसे आया. ठीक, उसके लिए आपने क्या करना है कि इस इलाके में इस्लाम कैसे आया, आपने मोहम्मद बिन कासिम के इरा से लेकर मुगल डायनेस्टी तक के जितने हुक्मरान आए उन पे बात करनी है. आपने पहले बात करनी है प्री 1857 की. ठीक, इसमें आपने मुगल डायनेस्टी को करना है. मुगल डायनेस्टी जितने आपकी मतलब डायनेस्टीज हैं, इसमें मैं पहले भी एक वीडियो बना चुकी हूँ डायनेस्टीज पे, आप वो भी देख सकते हैं. आपने बस सरसरी देख लेना है कौन सा रूलर कब आया और उसने इस्लाम के लिए क्या काम किया, और जब मुगल डायनेस्टी तक पहुंचे तो कैसे डिक्लाइन स्टार्ट हुआ. आपने प्री 1857 तक ये देखना है और मोहम्मद बिन कासिम के अराइवल से लेकर मुगल डायनेस्टी के डिक्लाइन तक आपने ये चीजें देख ली, क्योंकि ये चीज जनरली आपके सिलेबस में भी लिखी हुई है, दैट इज मुस्लिम रूल इन द सब कॉन्टिनेंट, इट्स डाउनफॉल एंड एफर्ट्स फॉर रिनाइसेंस. ठीक, इसके बाद इन्होंने आपको 3 से 4 रिफॉर्मर्स का नाम बताए हुए हैं, वो आपने करने हैं, साथ इंस्टीट्यूशंस बहुत इजी हैं, लाइक दारुल उलूम हो गया, सिंध मदरसा हो गया. आपने रिफॉर्मर्स और इंस्टीट्यूशंस को देखना है. ये सिर्फ और सिर्फ मैं अभी पाकिस्तान पे के इस हिस्से की बात कर रही हूँ. ठीक, इसके बाद अब यहाँ पे कहीं पे भी इन्होंने मेंशन नहीं किया सिवाय आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान के, कि पाकिस्तान कैसे बना, 1857 के बाद क्या हुआ. लेकिन पेपर में अगर आप 5 पेपर्स देखें उसमें क्वेश्चंस आए हुए पार्टीशन ऑफ बंगाल के रेलेवेंट या इस तरह, तो इसका मतलब है आप सीधा सीधा कुछ कुछ टॉपिक जरूर कर लें. अब ये जितना टाइम पीरियड है ये प्री 1857 है, 1857 की जंगे आजादी की पहले की बातें हैं. आपने क्या करना है कि 1857 से आगे के कुछ इवेंट्स मेन देख लें, जैसा कि आपके पास ये वॉर हो गई, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, साथ में आप देख लें जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स हुई, इंडियन एक्ट आया है जिस तरह भी है, लखनऊ पैक्ट हो गया, 14 पॉइंट्स ऑफ कायद हो गए, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कैसे बनी,
उसका क्या रोल था पाकिस्तान बनाने में या मुस्लिम्स में पॉलिटिकल अवेयरनेस क्रिएट करने में, और सबसे अहम हिंदू उर्दू कॉन्फ्लिक्ट इसका क्या किरदार रहा। ठीक, इसके अलावा जो मुस्लिम्स और हिंदू के दरमियान नफरतें बढ़ रही थी और जिसके बेसिस पे पाकिस्तान बनने के चांसेस बढ़े, तो आपने इन पॉइंट्स को छीता छीता देख लें, और साथ साथ लास्ट में आप जब देखेंगे तो एक स्पेशल क्वेश्चन आपने आइडियोलॉजी पे भी प्रिपेयर करना है कि आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान क्या है और इसका जहूर कैसे हुआ सब कॉन्टिनेंट में, कैसे कौन कौन किसने क्या किरदार अदा किया। बेसिस में आप आइडियोलॉजी पाकिस्तान में हिंदू उर्दू कॉन्फ्लिक्ट को भी लिख सकते हैं कि इसकी बेसिस पे मुसलमानों में उजागर हुआ ये कि उन्होंने अलग मुल्क चाहिए और अपने मुल्क के लिए उन्होंने फिर स्ट्रगल स्टार्ट की। तो आप इन पॉइंट्स को रिलेट करते रहना है। ये मेन कुछ टॉपिक्स हैं, क्या पता एक दो मैं मिस भी कर चुकी हूँ, तो आप जब एक बार हिस्ट्री प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देंगे सामने आपके पास कुछ टॉपिक्स आना शुरू हो जाएंगे। आपने इन टॉपिक्स को भी करना है। एंड डेफिनेटली आइडियोलॉजी पाकिस्तान में आपने अलामा इकबाल, कायदे आजम और साथ साथ सर सैयद अहमद खान को भी करना है। ठीक, ये आपकी 1857 की होगी। अब ये टॉपिक जब आप कवर करेंगे आपका एक तरह से ये वाला जो हिस्सा है पॉइंट एरिया नंबर वन आपका ये कवर हो जाएगा पाकिस्तान अफेयर्स में। इसके साथ अब अगर हम बात करें यहाँ एंड पे एक टॉपिक है द रिसेंट कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल डिबेट्स द लेटेस्ट, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन के रेलेवेंट है आपने इसको तो लाजमी करना है। ये आपका बन जाता है एक तरह से 1947 के बाद का। अब इन्होंने तो यहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ है रिसेंट कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स, लेकिन आपने 1947 से लेकर चलना है कि पहले कौन सा आइन बना, फिर वो कैसे एब्रोकेट हुआ, फिर कब दूसरा आइन बना, कब तीसरा बना, किसने मार्शल लॉ लगाया, मतलब जितनी पोस्ट पार्टीशन हिस्ट्री है ना 40-50 साल की कि डेमोक्रेसी कब कब थ्रेटन हुई, जो भी मार्शल लॉ कब लगा, इन सब चीजों को आपने देखना है। इसमें फॉर एग्जांपल आपके पास 3 कॉन्स्टिट्यूशंस आ जाते हैं। एक तो ये एमसीक्यूज के लिए भी बहुत रेलेवेंट है, और दूसरा इसका क्वेश्चन ना सिर्फ पाक अफेयर में आता है बल्कि दिस इज रेलेवेंट फॉर पॉलिटिकल साइंस एज वेल। पॉलिटिकल साइंस में भी एक या दो क्वेश्चन पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन या पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट या हिस्ट्री पे भी आते हैं। तो आपने 3 कॉन्स्टिट्यूशंस को देखना है 1956, आपके पास जो डेमोक्रेसी और इसके ऑपोजिट क्या है मिलिट्री रूल, जो मिलिट्री रूल है ये मार्शल लॉ जिसको हम कहते हैं, आपने इसको देखना है कि कब कौन आया, कैसे आया, कितने अरसे तक रहा, तो इन चीजों को भी आपने देखना है। मैं पोस्ट पार्टीशन की बात कर रही हूँ। 25th अमेंडमेंट हो गए, कीपी फाटा मर्जर, तो इस तरह की अमेंडमेंट्स आप जो रेसेंट हुई है, रेसेंट तो अब नहीं कह सकते उनको तो बहुत टाइम हो गया है, लेकिन आपने देखना जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि आई रिमेम्बर इट वॉज इन 2019 कि कौन सी अमेंडमेंट्स हुई हैं 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में जिसकी वजह से फेडरेशन पे चेंज आया है। तो इस तरह आपको इनडायरेक्टली जो रिसेंट अमेंडमेंट 18th अमेंडमेंट 25th अमेंडमेंट है उसके बारे में आपसे पूछा जाता है। तो ये है आपकी पोस्ट पार्टीशन हिस्ट्री। तो ये वाले टॉपिक जो है ना सिर्फ आपके एमसीक्यूज के लिए इम्पोर्टेंट है बट के साथ साथ क्वेश्चन भी अगर आए तो इंशाल्लाह आप वो भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं बाकी सिलेबस की। तो अब हमने एरिया वन कवर कर लिया और ये एरिया 27 कवर कर लिया। अब बाकी के जितने एरियाज हैं अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मैंने कभी भी, अच्छा ये वाला जो एरिया है पॉलिटिकल एवोल्यूशन सिंस 1971 ये भी एक तरह से आपका इस एरिया में कवर हो जाता है। ठीक, अब अगर मेरी बात की जाए तो मैंने कभी भी पाकिस्तान अफेयर्स और करंट अफेयर्स को अलग प्रिपेयर नहीं किया, मैंने दोनों को साथ साथ प्रिपेयर किया, मेरे नोट्स भी एक साथ बनते थे दोनों के। जो करंट अफेयर्स के लिए मैंने नोट्स रिवाइज किए वही नेक्स्ट डे मेरे पाकिस्तान अफेयर्स के लिए रिवाइज किए, सिवाय एक दो टॉपिक ज्यादा होते थे पाक अफेयर्स के लाइक एजुकेशन, वो करंट अफेयर्स में नहीं होता। तो आप सारा करंट अफेयर्स के साथ ही जाता है, जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वहां से नोट्स बनाते हैं, तो इसी तरह पाकिस्तान अफेयर्स को साथ साथ कवर करेंगे। एंड ऑलमोस्ट एवरी टॉपिक इज सिमिलर टू करंट अफेयर। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे कश्मीर इशू है, करंट अफेयर में भी बात होगी इस पर। वाटर इशू है, हाइड्रो पॉलिटिक्स करंट अफेयर में भी आता है, फॉरन पॉलिसी फैसला, मतलब ये वो चीजें जो आती हैं। हाँ, आपने एक चीज करनी है पाकिस्तान अफेयर्स में कि जो हिस्ट्री के थोड़े से टॉपिक्स हैं वो करंट अफेयर में आपने इतनी हिस्ट्री नहीं कोट करनी होती। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान इंडिया रिलेशन सिंस 1947, आप करंट अफेयर में रिसेंट डेवलपमेंट देखते हैं, लेकिन पाकिस्तान अफेयर में थोड़ा आपने हिस्ट्री में भी जाना है कि कब कब कौन सी जंग लड़ी दोनों ने,
किस किस चीजों पे, किस किस प्लेटफॉर्म्स पे दोनों ने एक दूसरे का बॉयकॉट किया, तो थोड़ी सी आपने हिस्ट्री को भी देखना होता है। तो आई विल सजेस्ट कि आप जब भी कोई टॉपिक करें पाकिस्तान अफेयर करंट अफेयर का सेम हो, तो थोड़ी सी उसकी हिस्ट्री देख लें, एक पेज की बना लें और उसके बाद जितनी करंट डेवलपमेंट्स है उन पर फोकस कर रहे हैं। अब अगर हम बात करें बुक्स की, तो ये कुछ किताबें थी जिनको मैंने कंसल्ट किया। जो प्री पार्टीशन है वो तो मैं करके ही नहीं गई थी, लेकिन इस बार आई एम प्लानिंग टू कवर देम, तो आई एम कंसल्टिंग दिस बुक ट्रैक टू पाकिस्तान। बहुत अच्छी किताब है, बहुत ही इन डेप्थ इन्होंने अच्छे से कहानी की शक्ल में आपको सारी नरेशन दी हुई है। सो आई पर्सनली लाइक दिस बुक अलॉट। ठीक, आप चाहे कवर करना चाहते हैं नहीं, ये बुक पढ़ लें, अच्छी किताब है। ठीक, ये है ट्रैक टू पाकिस्तान बाय अहमद सईद ख्वाजा मंसूर सरवर। अच्छा, इसके अलावा जो मैंने दूसरी किताब साथ ली थी, दैट इज द स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान बाय IH कुरैशी, और ये किताब भी अच्छी है, बट अगर आप एक बार कवर करना चाहते हैं, इसमें इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है एज कम्पेयर टू दिस वन, तो अगर आप सिर्फ इसको कंसल्ट कर लें ये ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। इसके बाद ये तो प्री पार्टीशन की बात थी, जो पोस्ट पार्टीशन हिस्ट्री है लाइक 1857 के बाद के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हुआ क्या, इसके लिए मैंने नेट कंसल्ट किया है और उसमें ही सारी चीजें अच्छे से बताई गई हैं। मैंने इसके अलावा कोई ऐसा बुक पोस्ट पार्टीशन के लिए कंसिडर नहीं की। ये एक बुक मैंने ली थी पाकिस्तान अफेयर्स बुक CSS PMS किस की है, यहाँ ये वर्ल्ड टाइम्स की है। तो जिसे मैं आपको बताती हूँ कि ये किताबों में मैं रिलाय नहीं करती, मैंने ले ली बट आई डिडंट फाइंड इट यूजफुल एट ऑल। ये सब की जो CSS के सिलेबस के मुताबिक किताबें बनती हैं, इनमें ज्यादा मटेरियल अच्छा नहीं होता, तो इसको तो बस मैंने वैसे ही पढ़ी हुई है मेरे पास। हाँ, जो इकराम रब्बानी की किताब है मैंने किसी से वो देखी और उसमें मेरे कुछ पेजेस पढ़े, दैट इज रियली इन्फॉर्मेटिव, मतलब जो नेट पे मटेरियल अवेलेबल है बड़ा प्रिसाइज करके उन्होंने टू द पॉइंट मेंशन किया हुआ है। तो अगर आप एक बेसिक बुक कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप इकराम रब्बानी की बुक को कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ ये तो किताबें हैं जो पर्सनली मुझे बहुत अच्छी लगी, ये रिकमेंडेड बुक्स में भी हैं, लेकिन मुझे तो नहीं पता था कि ये रिकमेंडेड है, मैंने तो वैसे ही ले ली थी तब। ये थोड़ी सी वास्ट इन डेप्थ स्टडी के लिए हैं, टू द पॉइंट इसमें चीजें नहीं बताई गई, बट बहुत अच्छी किताबें हैं। अगर टाइम है तो आप इन डेप्थ पढ़ लें, अगर टाइम नहीं है तो स्कैमिंग करके आप इसमें से अपने लिए कोटेशंस निकाल लें। पाकिस्तान अ हार्ड कंट्री बार, ये इनके राइटर का नाम है, क्या मैं गलत प्रोनाउंस कर दूं इनको, तो आपने इसको आप देख लें, बहुत अच्छी किताब है, मतलब हिस्ट्री के बारे में, पाकिस्तान में तालिबान का क्या सीन है, सिंध पंजाब बलोचिस्तान सारी चीजें, तो ये अच्छी किताब मुझे लगी है, आप देख लें। अगर आप पढ़ नहीं सकते पूरी तो आप इसे कोई PDF नेट पे देख लें और उसमें से अपने लिए कोटेशंस निकाल लें और साथ साथ राइटर का नाम देकर उसको आर्गुमेंट में यूज करें। और लास्ट से ये किताब है अब्दुल सत्तार की पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी, ये तो मेरे पास पुराना एडिशन है, अब आई गेस इसका फोर्थ एडिशन भी आ गया है, तो अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो बाय द लेटेस्ट वन। ये किताब बहुत अच्छी है और अगेन आपको बहुत सी चीजें मालूम हो जाती हैं और साथ साथ आप कोटेशंस निकाला करें, कोशिश करें कि कोटेशन निकाल, जैसे छोटी छोटी चीजों को आप हाईलाइट कर लिया करें और बाद में उसका आप अपने टॉपिक को प्रिपेयर करते हुए इसमें, फॉर एग्जांपल कश्मीर की भी बात हुई है, मुस्लिम उम्मा की भी बात हुई है, आपको मैं कंटेंट लिस्ट दिखा देती हूँ, फॉरेन पॉलिसी, कश्मीर क्वेश्चन, सर्च फॉर सिक्योरिटी, कि मीन्स पाकिस्तान के इश्यूज क्या थे। हम तो यही देखते हैं ना कि पाकिस्तान के इश्यूज, इकोनॉमी इशू था जब पाकिस्तान बना, इंडिया का थ्रेट था, लेकिन फॉरेन पॉलिसी इन इटसेल्फ बहुत बड़ा इशू था हमारी कंट्री के लिए कि हम किस किस साइड लें और हमने कुछ गलतियां भी की। तो इसमें अफगानिस्तान क्राइसिस, पाकिस्तान इंडिया डिस्प्यूट, ये सारी बातें बताई गई हैं। हिस्ट्री के लिए अच्छी किताब है और फॉरेन पॉलिसी के लिए भी, तो अगर इफ यू वांट टू कंसल्ट इट यू कैन कंसल्ट दिस बुक टू। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।